हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो रिसेंटली टाटा और एचडीएफसी बैंक ने दोनों मिल करके एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। तो क्या है ये क्रेडिट कार्ड का फीचर और चार्जेस और बेनिफिट, मैं इसके बारे में फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और कुछ इस टाइप का आप लोग को देखने को मिलेगा टाटा न्यू एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का। तो आप लोग देख सकते हो ये कार्ड जो है वीजा सिग्नेचर और रुपे प्लैटिनम में भी आता है, ठीक है। और मैं अभी आप लोग को बताऊंगा फीचर के बारे में। कार्ड टाइप जो है ये रिवॉर्ड पॉइंट कार्ड है। फीचर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2% बैक एज न्यू कॉइन ऑन नॉन ईएमआई स्पेंड ऑन टाटा न्यू एंड पार्टनर टाटा ब्रांड, ठीक है। 2% आप लोग को न्यू कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। 1% बैक एज न्यू कॉइन ऑन नॉन टाटा ब्रांड स्पेंड एंड एनी मर्चेंट ईएमआई स्पेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 1% बैक मिलता है, ठीक है, ऑन नॉन टाटा ब्रांड। अन एडिशनल 5% बैक एज न्यू कॉइन ऑन ट्रांजेक्शन डन ऑन टाटा न्यू ऐप और वेबसाइट। तो यहाँ पे आप लोग को एडिशनल 5% का कैशबैक भी मिल जाता है, ठीक है, फ्रॉम टाटा न्यू ऐप और वेबसाइट में अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो, ठीक है। पोस्ट डाउनलोडिंग टाटा न्यू ऐप एंड रजिस्टरिंग फॉर टाटा न्यू पास, ठीक है। और नोट में आप लोग देख सकते हो न्यू कॉइन्स विल नॉट एक्वायर फॉर फ्यूल स्पेंड। तो ये जो न्यू कॉइन है ये आप लोग फ्यूल के लिए यूज नहीं कर सकते हो, वॉलेट लोड एंड स्मार्ट ईएमआई के लिए, ठीक है। न्यू कॉइन अर्नड ऑन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग रेंट विल हैव ए मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 500 पर मंथ, ये कैप कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। और जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी ये भी आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो 24 आवर कॉल सेंटर में और आप लोग को इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है अप टू 50 डेज का और रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल जाता है, ठीक है। अवेलेबल एट ए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन योर टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिर लॉन्च एक्सेस मिल जाता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस पर कैलेंडर ईयर में आप लोग को मिल जाता है 1 1/4 ₹2 वीजा और रुपए विल बी चार्ज फॉर द क्रेडिट कार्ड फॉर द लॉन्च एक्सेस, ठीक है। ₹2 चार्ज किया जाएगा वीजा और रुपए के लिए, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर एट ऑल फ्यूल स्टेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1% का वेव ऑफ किया जाएगा आपका फ्यूल में अगर आप लोग मिनिमम ट्रांजेक्शन करते हो ₹400 और मैक्सिमम जो है 5,000 तक आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मैक्सिमम वेवर जो होगा ₹250 पर स्टेटमेंट साइकिल में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। और वेलकम बेनिफिट के तौर में आप लोग को 499 न्यू कॉइन्स मिल जाता है ऑन टाटा न्यू ऐप एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट ट्रांजेक्शन डन विद इन 30 डेज ऑफ इशुएंस। अगर आप लोग फर्स्ट 30 डेज में ये ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो 499 न्यू कॉइन्स आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। एंड विल बी अवेलेबल टू क्लेम इनसाइड टाटा न्यू ऐप विद इन 60 डेज ऑफ सच ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर रिन्यूअल ऑफर भी मिल जाता है स्पेंड 1 लाख और मोर इन ए ईयर तो आपका जो रिन्यूअल फीस जो है वो वेव ऑफ किया जाएगा और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप लोग को फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 5,000 तक का आप लोग कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो और उसके बाद आप लोग को पिन एंटर करना है 5,000 के ऊपर, ठीक है। और न्यू कॉइन्स रिडीम्शन एंड वैलिडिटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आप लोग टाटा न्यू का वेबसाइट में बड़ा बड़ा ब्रांड लाइक एयर एशिया, बिग बास्केट, क्रोमा वेबसाइट, टाटा क्लिक लग्जरी होटल बुकिंग, टाटा 1MG, क्यूमिनट, ये सब में आप लोग रिडीम कर सकते हो, ठीक है। और नोट पॉइंट आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और न्यू कॉइन का वैलिडिटी जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, योर न्यू कॉइन एक्सपायर 365 डेज आफ्टर योर लास्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है। जो लास्ट ट्रांजेक्शन आप लोग किए होंगे उसके बाद से 365 डेज जो है तक का ही आपका न्यू कॉइन वैलिडिटी रहेगा, उसके बाद एक्सपायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है फॉर न्यू कॉइन वैलिडिटी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी फॉर सैलरी पर्सन के लिए एज मिनिमम जो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 60 ईयर्स और मंथली इनकम जो होना चाहिए ग्रेटर देन 25,000 होना चाहिए। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियन नेशनल के लिए मिनिमम जो है 21 ईयर्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स का होना चाहिए और ITR जो है ग्रेटर देन ₹6 लाख पर एनम आप लोग का होना चाहिए। जो इनकम टैक्स रिटर्न किए हैं उसमें ग्रेटर देन 6 लाख पर एनम का होना चाहिए आपका रिटर्न, तभी जाके आपको ये कार्ड मिलेगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल मेंबरशिप फी जो है 499 प्लस एप्लीकेबल टैक्स आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 लाख से ज्यादा स्पेंड कर देते हो इन ए ईयर बिफोर रिन्यूअल डेट तो यहाँ पे जो रिन्यूअल फीस है वो वेव ऑफ किया जाएगा जो कि ₹499 है, ठीक है। तो ये था टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनय टेक। थैंक यू।